everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today we'll be discussing an important topic that is called research paper. तो जैसे कि टॉपिक का टाइटल है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, तो ऑफकोर्स अगर आप ये सेशन या अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपने रिसर्च पेपर लिखने के लिए सोचा होगा, सर्च किया होगा ऑनलाइन एंड काफी लोगों से पूछा होगा. एंड नाउ यू माइट बी कम्प्लीटली कंफ्यूज के हाउ डू आई डू दिस पर्टिकुलर थिंग, कैसे मैं लिखूं एक रिसर्च पेपर, राइट? तो रिसर्च पेपर लिखना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द सेम थिंग वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ हैपन्ड विथ मी. जब मैंने लोगों से बात करनी स्टार्ट की, मैंने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया, दे से वन कॉमन थिंग कि स्टार्ट करो, अपने आप आएगा आपको, राइट? एंड जिनको नहीं आता दे क्लियरली से दैट वी डिड नॉट राइट अ रिसर्च पेपर, सो वी डोंट नो, सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज. एंड जिनको आता है दे आर नॉट रियली हेल्पफुल. सो आई हैव गॉन थ्रू वेरियस वीडियोज ऑनलाइन, वेरियस कंटेंट ऑनलाइन, एंड देन आई केम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर. सो याद रखना, रिसर्च पेपर लिखना इज नॉट इजी टास्क, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, इनिशियली डिफिकल्ट है. बट एक बार आप एक रिसर्च पेपर लिख दो रिसर्च पेपर्स लिख दो, देन इट बिकम्स अ बिट इजी फॉर यू टू राइट मोर एंड मोर रिसर्च पेपर्स. सो फर्स्ट टाइम वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई अश्योर यू, बट जैसे जैसे आपको थोड़ी आदत पड़ती जाएगी इट वुड बिकम इजियर फॉर यू. ओके, तो सबसे पहले हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर से पहले यू शुड नो व्हाट इज अ रिसर्च पेपर. सो रिसर्च पेपर जर्नल्स में पब्लिश होता है, हमें ये पता है, एंड वी हैव नेशनल जर्नल्स एज वेल एज इंटरनेशनल जर्नल्स. यस, नाउ रिसर्च पेपर पब्लिश करके क्या फायदा होता है अगर आपको ये नहीं पता, आई विल मेक अ डिफरेंट कंप्लीट डिफरेंट वीडियो फॉर दैट, डोंट वरी. बट अगर मैं बोलूं व्हाट इज रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर इज यू कैन से शॉर्ट रिसर्च जो आपने कंडक्ट किया विद इन 3 months और 6 months, एंड यू आर जस्ट समराइजिंग द एंटायर रिसर्च इन अ गिवन फॉर्मैट, अ प्री डिटरमाइंड फॉर्मैट, एंड यू आर गिविंग समवन टू पब्लिकेट और पब्लिश इट इन अ पर्टिकुलर रिसर्च जर्नल. ओके, तो इसको अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, यू माइट हैव सीन वेरियस मैगजीन्स लाइक फोर्ब्स की मैगजीन होती है एंड बहुत रेप्यूटेटेड मैगजीन्स होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट यस दे आर वेरी वेरी रेप्यूटेटेड मैगजीन्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑफकोर्स. एंड देन दे आर वेरी लोकल मैगजीन्स लाइक छोटे बच्चों के चंपक आती है, डाइजेस्ट है, एंड दे आर वेरियस मैगजीन्स. ओके, सर्टन मैगजीन्स आर वेरी ऑथेंटिक, उन पर आप भरोसा कर सकते हो, एंड दीज आर नेशनल लेवल मैगजीन्स और इंटरनेशनल लेवल मैगजीन्स, राइट? वेयर एज सर्टन मैगजीन्स आर नॉट वेरी रेप्यूटेटेड, राइट? तो मैगजीन्स की गुडविल डिपेंड करती है उसके कंटेंट पे, उसके रीच पे, उसके मार्केट पे, राइट? और जो भी मैगजीन्स होती है वो इश्यू होती है मंथली बेसिस पे, बाई मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे. वीकली बेसिस मैंने बहुत कम देखी है, बट मंथली बेसिस पे होती है या बाई मंथली बेसिस होती है, मतलब 2 महीने में एक बार वो लोग लॉन्च करते हैं. तो हर बार वो मैगजीन के अंदर कुछ ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आते हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, लाइक एनी आर्टिकल्स, एनी रेसिपी, समथिंग अबाउट बिजनेस, मतलब जिस थीम में वो मैगजीन चलता है. लाइक अगर मैं कॉस्मोपॉलिटन की बात करूं या होम डेकोर की बात करूं, तो ये फोकस करेंगे इन कॉस्मेटिक आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फोकस रिलेटेड टू वुमेन, राइट? अगर मैं होम डेकोर की बात करूं तो फोकस रिलेटेड टू द होम डेकोर, इंटीरियर ऑफ हाउस, हाउ टू मेक योर होम मोर ब्यूटिफुल एक्सेट्रा, राइट? वैसे अगर मैं फोर्ब्स मैगजीन की बात करूं, सो इट विल फोकस ऑन बिजनेस, राइट? अब जैसा आप मैगजीन को समझते हो ना बेटा, सेम वो ही जर्नल होता है. जर्नल भी इज अ मैगजीन, राइट? नाउ इट हैज बिकम ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अभी भी काफी सारी जर्नल्स ऑफलाइन भी पब्लिश होती हैं, ठीक है? तो वहां क्या होता है, एक जर्नल होता है, जर्नल रिक्वेस्ट करते हैं, दे कॉल फॉर पेपर्स. आपने काफी सारे वेबसाइट्स में सुना होगा कॉल फॉर पेपर्स. सो दे आर रिक्वेस्टिंग कैंडिडेट्स दैट हम आपको टैम्पलेट देते हैं, आप अपना रिसर्च कंडक्ट करो, रिसर्च पेपर बनाओ और हमें सेंड करो. अब मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रही, ये सिर्फ एक सबसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल रखना चाह रही हूं. अब जैसे आपने मैगजीन को समझा वैसे ही जर्नल होता है.
मैगजीन एक थीम को फॉलो करता है, जर्नल भी एक थीम को फॉलो करता है। मैगजीन मंथली या बाई मंथली पब्लिश होता है, जर्नल भी मंथली बाई मंथली या ईयरली पब्लिश होता है। मैगजीन्स के इश्यूज होते हैं वॉल्यूम्स और इश्यूज, जर्नल के भी वॉल्यूम्स और इश्यूज होते हैं। मैगजीन्स में आर्टिकल छपते हैं, जनरल में जर्नल में हमारे रिसर्च पेपर्स छपते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी दैट व्हाट इज अ रिसर्च पेपर। ओके, सो ये आपको इंट्रोडक्शन में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आई कैन नॉट ऑन द फैन बिकॉज यहाँ पर बहुत आवाज आती है बैकग्राउंड म्यूजिक, सो दैट्स व्हाई। फाइन, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आई ट्राई टू मेक अ वेरी गुड सीरीज ऑफ दिस एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आई विल बी शेयरिंग विद यू सर्टन इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजीज जो आपने सुना होगा बट शायद आप कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं पता एग्जैक्टली चीजें हैं क्या। लाइक कॉल फॉर पेपर्स हो गया, देन वी हैव दिस थिंग कॉल्ड साइटेशन, यस, देन वी हैव इंडेक्स स्कोर, राइट, देन वी हैव और कौन सा है, इम्पैक्ट फैक्टर, राइट। तो ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हैं जो आपने शायद नहीं पढ़े हो, आपको नहीं पता हो। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द फर्दर वीडियो एंड यू कैन गो अप टू द आई सेक्शन अबाउट टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। ओके, सो इफ यू लाइक माई चैनल जस्ट यू कैन सब्सक्राइब टू दिस टू गेट मोर कंटेंट लाइक दिस। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर। बाय एवरीवन।